अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारे नियांग फेंग का ध्यान चल जाता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग पर और पूछते कि हेलो वो आदमी कौन है भाई जो कि ऐसे घूर घूर के देखे जा रहा है। जो सुनते अपने ड्रैगन किंग कहता है अरे कुछ नहीं भाई मेरा दूर करना रिश्तेदार टेंशन मत दीजिए खाना इंजॉय कीजिए नियांग फेंग का टेंशन ना लीजिए। अरे उसके मुंह से खून की उल्टी यहाँ पे हो रही है। जो सुनते सामने से ये कहता हाँ छोटा मोटा सा पॉइजन उसके बॉडी में लगा जिससे खून की उल्टी हो रही है कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। नियांग फेंग कहता नहीं टेंशन के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है उनके मरने के बारे यहाँ पे आ चुकी है शायद एक ही घंटे का टाइम बचा है। हाँ तो एक घंटा का भी टाइम नहीं बचा हुआ था। एक घंटे में होते 60 मिनट उसके पास 57 मिनट यहाँ पे बचे हुए थे बाद में यहाँ पे टपक जाएगा सामने से। लेकिन तो भी इग्नोर मार देता है अपने प्रिंसेस के बाप। अब कहता आप खाना खाने पर ध्यान दीजिए ना मरे तो मरे। नियांग फेंग भी लाइक भाई कितना निर्दय आदमी है। सामने से कहते सुनो यार मेरे पास ना मेडिसिन नॉलेज यहाँ पर है तो मैं उसको चेक करके ना मैं पता लगा सकता हूँ शायद उसको ना बचा भी सकता हूँ। तो आराम से यहाँ पे जाता है उसका जो नर्व यानी उसका जो हाथ है ना हाथ पकड़ के पता करने की कोशिश यहाँ पे करता है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई एक सेकंड ये क्या करना चाहते हैं। तो प्रिंसेस का बाप समझाते कह रही है मिस्टर नियांग फेंग ये तुम्हारा बीमारी पता करके तुम्हारी बीमारी यहाँ पे ठीक करेंगे। जो सुन तो वेस्टर्न ड्रैगन किंग हिल जाता है जोर से चिल्लाता है ठीक कर देंगे आप इस साले मेरे अंदर कोई चूहे या फिर बिच्छू का जहर यहाँ पे नहीं आया है। ड्रैगन डाइवोरिंग इंसेक्ट नाम का जो इंसेक्ट होता है ना उसका पॉइजन आया जो कि एक बार बॉडी में घुस जाता ना तो बॉडी के एक पार्ट से लेकर बॉडी के कोने कोने तक यहाँ पे पहुंच जाता है और कुछ ही मिनट बाद मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। यार ये मॉर्टल आदमी ये बला मुझे क्या ठीक कर पाएगा मेरे साथ यहाँ पे चल और जो बदला लेके ना भाई हम एंटीडोट यहाँ पे ढूंढते क्यों नौटंकी मेरे साथ यहाँ पे किया जा रहा है मेरे भाई और ऐसे बकर बकर किया जा रहा था। हाँ तो प्रिंसेस को बाप क्या था गुस्सा मुक्का लेके मारता हो जैसा मुक्का मारता ना वो जमीन में धस जाता है बस हाथ यहाँ पे बाहर था और नियांग फेंग ने बस हाथ यहाँ पे चेक करा था उसका चेक किया हुआ हो जाता है। और जैसे चेक किया हो जाता है प्रिंसेस का बाप पूछता बोलिए आपको क्या मालूम चला। ये कहते यार जैसे आपका दूर के रिश्तेदार ने बोला कि भाई ये जो जहर है ना बड़ा तगड़ा यहाँ पर है आई थिंक मैं कुछ नहीं कर सकता आई एम सॉरी। तो सामने से ये वेस्टर्न का बाप भी कहता है आई मीन यार वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी कहता है कि यार देखा है मैंने कहा था ना भाई गॉड भी यहाँ तक कि मैं बीमारी का आइडिया लगा नहीं सकता ये तो बस ठहरा छोटा सा मॉर्टल ये वाला क्या आइडिया लगा पाएगा। नियांग फेंग कहता है आई डोंट नो वो काम आएगा या नहीं आएगा लेकिन मुझे ट्राई मारना चाहिए। ये लोग कन्फ्यूज की भाई किसके बारे में कह रहे हो वो डोरीमोन बन के ना जो अल्ट्रासाउंड मशीन होता ना वो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे निकाल लेता है। ये लोग और कन्फ्यूज की भाई अभी ये कौन सा मशीन है इसको कहाँ पे डालते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा ना भाई लोग चेक करते हैं कि बॉडी में एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसे चेक करने के बाद ना ऐसा फिगर उनको दिखा देता है वो जो कीड़े द्वारा पॉइजन यहाँ पे फैला था वो कीड़ा दिखता है कि यहाँ पे जो अंदर का बॉडी पार्ट है ना वो धीरे 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 करके खाया जा रहा है उसी से जो भी असर है ना असर यहाँ पे हो रहा था। और ये जो कीड़ा है मालूम है कहाँ पर दिल के पास जो मेरिडियन होते हैं ना वो मेरिडियन और बाकी बॉडी में जो डेंटियन का पार्ट होता है ना जो कि दिल और छाती के आसपास होता है वहाँ पे ज़्यादा अगर फैला हुआ है। जो देखते अपना ड्रैगन किंग और छोटी प्रिंसेस दोनों बाप बेटी बड़ी खुश की वो यार क्या आपने पता लगा लिया ये वेस्टर्न ड्रैगन किंग हिला पड़ के भाई ये आपने कैसे यहाँ पे पता लगा लिया। सामने से दाई बताती हाँ बंदूक की बॉडी में स्पेशली ऐसे कीड़ों के लिए वो जो दिल के पास जो मेरिडियन और डेंटियन होते हैं ना वो बड़े टेस्टी होते हैं जी चक्कर में ना उसी एरिया को अट्रैक यहाँ पे करते हैं। अगर वहाँ से हमने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना तो मेरिडियन भी डैमेज होगा और डेंटियन भी डैमेज होगा और ज़्यादातर ये भी चांसेस है कि डैमेज के चक्कर में उस बंदे की जान निकल जाए यानी जबरदस्ती हम उसको उस कीड़े को ना उस पार्ट से बाहर भी निकाल नहीं सकते। जो सुनते ही सामने से लोग भी कहते हो कि नहीं निकाल सकते तो क्या करें मरने के लिए छोड़ दे इसको। नियांग फेंग सामने से देख सन दाई ने ये बोला कि भाई दिल के पास जो मेरिडियन और डेंटियन होते हैं ना वो सबसे टेस्टी पार्ट होता है कीड़ों के लिए इसलिए वो खाते हैं। तो एक काम करते हैं हम दूसरा कोई ऐसा पार्ट जो कि यूजलेस हो उतना ज़्यादा यूज में ना हो उसको ये कर देंगे भाई हम उसको जला कर एकदम पका देंगे ताकि जो मेन सारे के सारे जो वायरस है जो भी कीड़े ना वो सब ने उस पार्ट पर जाए उस पार्ट को यहाँ पे खाएं और जैसे उस पार्ट पर सारे कीड़े चल जाएंगे ना हम तो उस पार्ट को काट के यहाँ पे निकाल देंगे तो साथ ही में जो वायरस वायरस है ना वो सब यहाँ पे निकल जाएगा। बोलो कैसा लगा ये आइडिया। जो सुन दे वो वेस्टर्न डेमन किंग की तो फड़के चार की मम्मी रे भाई ये तो गलत मुझे लग रहा है लेकिन सामने से दोनों बाप बेटी दीवाने की ऐसे यही तरीका सबसे बढ़िया है और कोई तरीका काम ही नहीं आ सकता। अगर ये तरीका कोई और यहाँ पे बताता ना वो बड़ा बेकार यहाँ पे होता लेकिन नियांग फेंग ने बताया यानी ये तरीका दुनिया का सबसे बेस्ट है। दाई भी कहती है या मिस्टर नियांग फेंग ने सारी चीज़ों में बड़े ज़्यादा चैंपियन यहाँ पर है। तो सामने से उसको फोर्स यहाँ पे किया जाता है क्या बोलते हैं भाई वेस्टर्न ड्रैगन किंग को बताओ भाई कौन सा बॉडी पार्ट है जो तुम्हारे लिए यूजलेस है जिसको हम जला के सारे कीड़ों को अट्रैक्ट कर ले। तो सामने से ये अपना बाप कहता है कि शायद हो सकता है इसका पूछ तेरे पूछ को जला दे। ये कहता साले भाई मेरा पूछ जान है मेरा क्या भाई सारे ड्रैगन लोग का रहता है अगर पूछ यहाँ पे एंड में कट जाएगा तो भाई मैं भी मर जाऊंगा यार मुझे मारना चाहता है क्या। पीछे से नियांग फेंग भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखे कुछ और कुछ और कुछ और इसका पूरा दही के मतलब भाई मेरा एक पार्ट काट के मुझे जान से मतलब बचाओगे यार मैं क्या करूँ।
लेकिन मुझे अपनी जान बचाने तो बदले में एक पात यहाँ पे कटवाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा जो हाथ है ना, मेरा हाथ यहाँ पे काट दो, इसको जला के पकाओ और इसी पे सारे के सारे कीड़े लोग यहाँ पे अट्रैक कर दो। और क्या, मैं कुछ साल और कल्टिवेशन कर करके ना एक नया हाथ है ना अपन जगा भी सकता है। तो सब लोग रेडी हो जाते उसका वो हाथ जलाने के लिए। नहीं है फिंगर दबी धैर्य यहाँ पे रखिए, और हाथ पे ना नमक मसाला तेल भी लगाता है। लोग भी कहते हैं भाई अरे नमक मसाला तेल काय को लगा रहे हो। नहीं है फिंगर दबी, टेस्टी रहना चाहिए, तभी तो सारे के सारे जो कीड़े ना अट्रैक होके आपके हाथ की ओर यहाँ पर आएंगे। सामने से अपनी छुटकी भी कह दिया, ये जल्दी से पका के देखिए, हमको भी एटलीस्ट स्मेल तो लेने का मौका मिलना चाहिए ना। सामने से उसका बाप भी कह दिया, ये धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो, बाद में अच्छे से पका पका दिया जाता है। तकलीफ होती है लेकिन पूरी तकलीफ यहाँ पे सह लेता है। ये लोग कहते ओके ना, हाँ। तो सामने से दाई है सभी कहते यस 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 ओके। फिर लेकिन जो बेटी यहाँ पे थी प्रिंसेस, उसके मुँह में पानी आने लग जाता है। अरे बाप रे, ये हाथ का क्या स्मेल है, ओ माई गॉड कितना टेस्टी होगा, मेरे मुँह से तो पानी आ रहा है, मुझे रुका बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सामने से बाप कहते ना बेटी तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे खाना नहीं है, लेकिन खुद इसके मुंह से पानी आ रहा था। तो वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी चिल्लाता है कि साले भाई तू अपनी बेटी को क्या रोक रहा है, देख तेरे मुंह से भी पानी आ रहा है, तू खुद खाने के लिए एक्साइटेड है। वो कहते साले तू मुझे क्या रोक रहा है, तेरे खुद के मुंह से भी तो पानी आ रहा है। हाँ, खुद वेस्टर्न ड्रैगन किंग के मुंह से भी पानी आ रहा था। ये कहता यार आई डोंट नो, मेरे हाथ का है ना मीट इतना ज्यादा स्मेल अच्छा रहेगा, मुझे भी मन कर रहा है लेकिन खाऊंगा। अब सारा काम यहाँ पे हो चुका था, बस हाथ काटने की देर यहाँ पे थी। तो सामने से जो हाथ यहाँ पे था ना, हाथ यहाँ पे दिया जाता है काट। जैसे हाथ यहाँ पे काटता, अगर आपको याद होगा जो अपने प्रिंसेस का बाप है ना, उसकी बॉडी में भी वो पॉइजन आ चुका था, यानी सेम कीड़े ना इसकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पे थे। तो उसकी बॉडी के अंदर से भी जबरदस्ती ना सारे के सारे कीड़े बाहर निकल के, और जो कटा हुआ हाथ ना कड़ू हाथ पे चल जाते हैं, और कड़ू हाथ का जो मीट है ना वो मीट खाना एंजॉय यहाँ पे करने लग जाते हैं। आराम से दम मीट खा रहे अपना जो दाई यहाँ पे थी ना, और नियम फेंग से कहती मास्टर थोड़ा सा दूर रहिए, ये कीड़े वीड़े अगर आपके बॉडी से चिपक गए ना तो सेम अंजाम आपका भी होगा। ये भी कहते या मैं ध्यान रखूंगा। दूसरी वो कीड़े खा खा कर लिटरली बड़ा एंजॉय करते कि वाओ जिंदगी में बहुत की बॉडी पे गए और बहुत कुछ यहाँ पे खाया, लेकिन ये जो टेस्ट ना ऐसा टेस्ट यहाँ पे आज तक नहीं मिला। फिर एंड में उनकी भी धीरे धीरे मौत होती है, लेकिन खुशी खुशी मरते हैं। और आई डोंट नो कैसे मरे, हो सकता है दाई ने अटैक करके मारा होगा या फिर नियांग फेंग ने कोई एंटीडोट देके यहाँ पे मारा होगा, बस मर गए इतना मालूम है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।